निकिता नाम की एक लड़की को लव जिहाद के नाम पर कैसे डिफेंड करेंगे आप अपनी सरकार को राजीव जेटली जी? और लगातार मेवात से कंप्लेन आ रही है, लेकिन खुद आपके संगठन कहते हैं विश्व हिंदू परिषद जैसे कि खट्टर साहब ध्यान नहीं देते, वो अधिकारियों के हिसाब से चलते हैं। देखिए दीपक जी, तो बहुत अच्छी बात हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बावजूद भी कि आज निकिता के पिता आपके चैनल पर बैठे और उन्होंने अपना वर्जन दिया। उन्होंने बताया कि मेरी लड़ाई किन लोगों के साथ थी, कितने रसूख वाले लोग थे। आज नहीं है, मैं क्लियर कर दूं इस बात को, आज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। ये मेवात जिसमें 5 घंटे के अंदर पकड़ के लाए दोनों आरोपियों को, दीपक जी विश्वास कीजिए, इस मेवात में पुलिस का जाना मुमकिन नहीं था। मेवात में अगर कोई व्यक्ति मार दिया जाए, कत्ल करके भी चला जाता था। तारीफ कर रहे हैं राजीव जी, आज तो मत करिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, आज मत करिए, आज थोड़ा शर्म करिए दीपक जी। एक बेटी को मार दिया गया फरीदाबाद के बगल में बल्लभगढ़ में, कोई भी अपनी भवन से 63 किलोमीटर दूर निकाल सकते हैं, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आप उसके बाद कुछ भी बोलिएगा। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं, ये वो मेवात है जिसमें कत्ल करने के बाद, चोरी करने के बाद, डकैती मारने के बाद पुलिस को हिदायत होती थी किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी। और हिदायत देने वाले कौन होते थे? हिदायत देने वाले यही होते थे कांग्रेसी बड़े बड़े लीडर, जिनकी प्रवक्ता आज यहां बैठ के कह रही है उनको फांसी दे देनी चाहिए। ये प्रथा, ये डेमोग्राफी किसने बदली? ये कांग्रेस ने बदली। वहां पे पहली बार लोगों को विश्वास आया कि मेवात में जाकर भी गुंडों को, हत्यारों को, बलात्कारियों को पकड़ा जा सकता है। ये विश्वास मेवात के आसपास की जनता को अगर कहीं आया तो वो खट्टर सरकार में, बीजेपी की सरकार में आया। और रही दूसरी बात, मैं केवल एक ही बात बोलना चाहता हूं, एक मैटर है जो लड़की के पिता ने भी बताया, निकिता के पिता ने, कि हमने 2018 के अंदर खोखले नारे देकर पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। ये बेटी बचाओ नहीं, बलात्कारियों को बचाते हैं। कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके के चिंटू, सोनू, रानू, जो भी नाम बदल के लड़कियों को गुमराह करते हैं, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, चाहे कांग्रेस का कितना बड़ा नेता आपके बीच में बैठ जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, किसी को भी आज करना चाहते हैं, कितना बड़ा नेता आ जाए, आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। ये ढोंगी लोग, ये ढोंगी लोग पहले कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं, फिर अपने एजेंडे को साधते हैं। इनका एजेंडा कांग्रेस का एजेंडा, और वो लोग जिन्होंने ये हत्या करी, तीनों का एजेंडा एक ही होता है, ये शांति से बैठते हैं और वो बदमाशी से बैठते हैं। मैं आपको मौका दूंगा, हम फांसी की बात कर रहे हैं, मैं आपको मौका दूंगा, उनको भी नहीं छोड़ रहा। राजीव जी, कंफ्यूज करिए, पाए जाएंगे उनको भी टांगा जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा।